सीतामढ़ी में खुले में रखे रखे सड़ गया सैकड़ों क्विंटल धान। सरकारी महकमा है बेफिक्र तो चावल मिल मालिकों को हो रहा है भारी नुकसान। सारा धान मिट्टी हो गया, जिस जमीन से उगा वही जमींदोज होता जा रहा है। खुले आसमान के नीचे धान के बोरों का ढेर लगा हुआ है। बारिश और धूप के थपेड़े खा खा कर ये अनाज गरीबों की थाली तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो रहा है। सीतामढ़ी में किसानों से धान खरीद कर स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने चावल मिल को थमा दिया। मिलों के पास धान रखने की ज्यादा जगह नहीं, इसलिए खुले में छोड़ दिया गया। धान बर्बाद होने से चावल मिल मालिक परेशान है, तो उधर फूड कॉरपोरेशन दबाव बना रहा है कि जल्दी से जल्दी धान से चावल बना दिया जाए। कितनी अजीब बात है, कई लोगों को तो भर पेट भोजन तक नहीं मिलता, तो दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम के चलते अनाज रखे रखे सड़ जाते हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक जहरीले भोजन का कहर। पलामू और नालंदा में 60 से ज्यादा लोग बीमार। पलामू के सिंगरखुर्द गांव में निकाह के दौरान इन लोगों ने जमकर दावत उड़ाई, लेकिन दावत के बाद ऐसी तबीयत बिगड़ी कि सबको अस्पताल जाना पड़ा। एक साथ 50 से ज्यादा मरीजों के सदर अस्पताल पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वार्ड में बेड कम पड़ गए तो खुले में ही इलाज शुरू किया गया। उधर नालंदा के महनौर में श्राद्ध का भोजन खाने के बाद कई लोगों की हालत बिगड़ गई। इन्हें नालंदा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सबकी हालत खतरे से बाहर है। गर्मी में ध्यान नहीं रखने पर खाना खराब हो जाता है, ऐसे में भोज के दौरान ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। गिरिडीह में गजराजों ने मचाया आतंक, आशियाने तोड़ डाले और अनाज कर दिए बर्बाद। गिरिडीह के ढाप गांव के इन घरों का ये हाल ना तो नक्सलियों ने और ना ही अपराधियों ने बनाया है, बल्कि ये कारस्तानी हाथियों की है। सोमवार की रात हाथियों का झुंड इस गांव में आया तो लोग जान बचाकर भाग खड़े हो गए। इसके बाद हाथियों ने कई घरों को तहस नहस कर दिया, साथ ही अनाज खा गए और जो बच गए उसे बिखेर दिया। बाद में लोगों ने हिम्मत जुटाकर इनको जंगलों की ओर खदेड़ दिया। हाथियों के हमले से लोग दहशत में हैं। सिर से छत छीन जाने से गांव के लोग खफा हैं। मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पटना में बन रही हैं इमारतें। बिल्डरों पर नकेल कसने में नाकाम दिख रहा है पटना नगर निगम। ये इमारतें कायदे कानून को जमींदोज करके खड़ी की गई हैं और ऐसे ही कई अपार्टमेंट रोज बिहार की राजधानी पटना में पनप रहे हैं। बिल्डिंग बायलाज का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, न पार्किंग का सही बंदोबस्त है, न आने जाने के लिए मुकम्मल रास्ता और न ही ड्रेनेज सीवरेज का सही इंतजाम। जैसे तैसे नक्शा पास करवा कर बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन नियमों की उड़ती धज्जियों की जांच करने में पटना नगर निगम फिसड्डी साबित हो रहा है। निगम का अपना रोना है कि इंजीनियर ही नहीं है तो जांच कैसे हो। टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए, साइट इंस्पेक्शन के लिए जहां मामला आता है वहां पर जाके विलंब होने लगता है, क्योंकि अभियंताओं की भारी मात्रा में कमी हम लोगों के पास। पिछले कई सालों से पटना में अपार्टमेंट का जाल बिछता जा रहा है, लेकिन कहीं भी नियम कायदों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। कटिहार में महीने भर लापता हैं दो सगी बहनें, परिवार सकते में लेकिन अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिवार की खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। मोफरगंज इलाके से दो सगी बहनें 6 साल की खुशी और 9 साल की स्वीटी महीने भर से गायब हैं। मासूम बच्चियों के लापता होने से बाप की बेचैनी समझी जा सकती है। स्कूल जाते वक्त दोनों बहनें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कई जगह खोजबीन के बाद भी कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस के पास गुहार लगाई। ये भी कहा कि दोनों बच्चियां पहली पत्नी की हैं। ऐसे में सौतेली माँ के सितम से परेशान होकर कहीं चली ना गई हो। हालांकि सौतेली माँ ने ऐसी किसी बात से इनकार किया। एक पहलू ये भी है कि सीमांचल में मानव तस्करी जोरों पर है। बच्चियों के गायब होने का राज इससे जुड़ा भी हो सकता है। बीजेपी का गृह युद्ध खुलकर सामने आ गया है। अब बवाल कुछ पोस्टरों से भी उठा है जो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक बीजेपी के दफ्तर के सामने चिपके दिखे। इन पोस्टरों में संजय जोशी का चेहरा छाया है और निशाना नरेंद्र मोदी पर साधा गया। संजय जोशी और मोदी के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। इसी वजह से जोशी को हाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा तक देना पड़ा था। पोस्टरों में लिखा है कि एक नेता की दादागिरी क्या बीजेपी की नीति बन चुकी है। हालांकि संजय जोशी ने कहा कि पोस्टरों से उनका कोई लेना देना नहीं, बाद में पोस्टरों को हटा भी लिया गया।
इधर समाजवादी पार्टी की मुखिया मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने ये लोकसभा सीट छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। डिंपल पहले भी फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उस बार कांग्रेस के राज बब्बर ने उन्हें हरा दिया था। कांग्रेस ने कहा कि वो कन्नौज में डिंपल के सामने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सानिया मिर्जा और महेश गुप्ते की जोड़ी फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल पहुंच गई। उधर मेन सिंगल में ब्रिटेन के एंडी मरे अंतिम आठ में पहुंच गए, जबकि मेन सिंगल में रूस की शरापोवा और कजाकिस्तान के अनजान खिलाड़ी श्वेदेवा क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल को आखिरकार वेस्टइंडीज टीम का बुलाव मिला। गेल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका दिया गया। क्रिस गेल बोर्ड से तनातनी के चलते 15 महीने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं। वो आईपीएल में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं। युवराज सिंह जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। खबरों के मुताबिक यूवी फिटनेस पर फोकस कर रहे हैं। अभी बेंगलोर की नेशनल क्रिकेट अकादमी में उन्होंने 5 दिन बिताए। यूवी अमेरिका से कैंसर का इलाज करा के अप्रैल में देश वापस लौटे थे। अमेरिका के जंगलों में फायर फाइटर्स की जंग, जान हथेली पर रखकर भीषण आग से सामना। आग की लपटें न्यू मैक्सिको में जंगल को खाक करने पर तुल गई हैं। अमेरिका के 7 राज्यों के जंगल में आग लगी है। आग का तांडव सैटेलाइट इमेज से भी साफ साफ दिख जाता है, लेकिन सलाम करना होगा उन फायर फाइटर्स के जज्बे को जो जंगलों में इस आग को बुझाने में लगे हैं। लेकिन कहते हैं कि आग से खेलना आसान नहीं। इसी हफ्ते फायर फाइटर्स का प्लेन जंगल में क्रैश हो गया, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई। इस हादसे के कुछ घंटे बाद ही लैंडिंग करता फायर फाइटर्स प्लेन रनवे पर क्रैश हो गया। गनीमत रही कि जवानों की जान बच गई। सवाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इन प्लेन पर उठते हैं, जिनसे जंगलों की आग पर काबू पाया जाता है। अभी 10 साल पहले की कड़वी याद बनी है, जब एक ऐसा ही प्लेन अचानक क्रैश हो गया था। सच तो ये है कि ये फाइटर प्लेन बरसों पुराने हैं। आधुनिकीकरण की बात चल रही है, लेकिन फिलहाल तो ये उड़न ताबूत ही है। पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा एटमी हथियार हैं। स्वीडन की एक संस्था की रिपोर्ट में बताया गया कि पाक के पास 90 से 100 और भारत के पास 80 से 90 एटमी हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एटमी पावर वाले 8 देशों के पास करीब 19,000 परमाणु हथियार हैं। अलकायदा में नंबर 2 माने जाने वाले अबू लिबी को मार गिराने का दावा किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए ड्रोन हमले में लिबी मारा गया। हालांकि मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अलकायदा में चीफ जवाहरी के बाद लिबी का ही नाम है। सीरिया में विद्रोहियों ने आंशिक युद्ध विराम को खारिज कर दिया और एक बार फिर सेना पर हमले शुरू कर दिए। मानवाधिकार संस्था के मुताबिक अलग अलग वारदातों में 80 सैनिक मारे गए। उधर यूएन का कहना है कि संकट से निपटने के लिए अन्नान प्लान अब भी प्रभावी है। पाकिस्तान की मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता आसमा जहांगीर ने अपनी जान को खतरा बताया। आसमा ने आरोप लगाया कि देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां ही इसकी योजना बनाने में लगी हैं। आसमा को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। रिलीज से पहले एक और फिल्म विवादों में घिरी। फिल्म शंघाई के गाने पर एतराज जताते हुए अदालत में दाखिल की गई अर्जी। लगाया तो जा रहा है भारत माता का जयकारा, लेकिन ये अंदाज भगत सिंह क्रांति सेना को भाया नहीं। दिवाकर बनर्जी की फिल्म शंघाई का ये गाना इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन गाने पर अब गदर मच गया है। क्रांति सेना नाम के एक संगठन ने गाने को अपमानजनक बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है और फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने को कहा है। बाद फिल्म शंघाई यानी 8 जून को रिलीज होने वाली है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है।